हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ की पोएम है अ टाइगर इन द जू, और इस वीडियो में आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर ध्यान देंगे। फर्स्ट है, व्हाट वुड द टाइगर डू इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में टाइगर क्या करता है या क्या करेगा, वुड है यहाँ आएगा, क्या करेगा। आंसर है, इन अ फॉरेस्ट द टाइगर वुड हाइड हिमसेल्फ इन शैडो। एक जंगल में टाइगर अपने आप को छुपा लेगा शैडो में। स्लाइड थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास के पास से बिल्कुल धीरे से स्लाइड करते हुए हल्के हल्के पैरों से चलेगा। एंड हंट अ डियर, एक हिरन का शिकार करेगा नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के पास। ये सभी वही बातें हैं जो हमें इस पोयम में बताई गई हैं कि एक जंगल में अगर टाइगर रहता है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोयम। इस कविता के द्वारा कन्वे करना मतलब कहना, समझाना, अपनी बात बताना। तो पोएट क्या बताना चाहते हैं हमें इस पोयम के द्वारा, क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को मैसेज के लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है कि पोएट इस कविता के द्वारा सभी लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो थ्रू दिस पोयम पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट एनिमल्स ऑल्सो नीड फ्रीडम। और कवि यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मनुष्य की आज़ादी इम्पॉर्टेंट है, उस तरीके से जानवर भी अपनी आज़ादी चाहते हैं, उनको भी आज़ादी की ज़रूरत है। दे शुड नॉट बी केज्ड, उन्हें पिंजरे में बंद नहीं किया जाना चाहिए बाय ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के द्वारा। फॉर देयर फन, अपने मज़े के लिए। कुछ लोग चिड़ियाँ पाल लेते हैं पिंजरों में, कुछ लोग किसी जानवर को पिंजरे में रखकर खुश होते हैं। तो इस तरीके से हमें उन्हें पिंजरे में नहीं डालना चाहिए। अब क्योंकि ये शेर है तो ये खुले में तो नहीं रख सकते घर में ऐसे ही, लेकिन फिर भी एक जानवर को आज़ादी छीन कर उसका नेचुरल हैबिटेट जो गॉड ने सबको दिया है अपने रहने की जगह, वहाँ से अगर अलग कर दिया जाता है तो ये गलत है। कवि इस पोयम के द्वारा यही बताना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज इट सेफ टू अलाउ टाइगर्स टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट दीज डेज, व्हाई। क्या अलाउ करना, आज्ञा देना टाइगर्स को कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल में रह सकें इन दिनों, ये सही होगा, सेफ रहेगा, सुरक्षित होगा। व्हाई, क्यों। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए कि अगर शेर को नेचुरल हैबिटेट जंगल में रहने दिया जाता है तो क्या वो सुरक्षित है। अगर हम आंसर देते हैं हाँ सुरक्षित है, तो हमें उसका रीज़न बताना है व्हाई। और अगर हम कहते हैं नहीं सुरक्षित नहीं है, तो उसका रीज़न बताना है कि क्यों सुरक्षित नहीं है। अब बात यह है कि हम अपने आंसर में क्या लिखें, हाँ लिखें या ना लिखें, सुरक्षित है या नहीं है। तो मेरा मानना है कि सुरक्षित है, क्योंकि टाइगर्स का नेचुरल घर है उनका जंगल। वो जंगल से तभी बाहर आते हैं जब उन्हें जंगल में कोई परेशानी हो। उनके घर में यदि मनुष्य अटैक करेगा, जाके वहाँ जानवरों को मार कर लाएगा या उन्हें मारेगा, तो फिर वो मजबूर हो जाते हैं मनुष्य की तरफ आने के लिए। तो हमने इस तरह से आंसर लिखा है, इफ ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट इंटरफियर इन एनिमल्स नेचुरल हैबिटेट, यदि मनुष्य जानवरों के नेचुरल हैबिटेट उनके जंगल में दखल नहीं देगा, इट वुड ऑलवेज बी सेफ, तो हमेशा सुरक्षित रहेगा टू अलाउ टाइगर्स टू लिव देयर नेचुरल हैबिटेट, कि जानवर या फिर टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते रहें अगर वहाँ पर इंसान दखलंदाजी ना दे। दिस इज राइट बिकॉज, यह सही है क्योंकि एनिमल्स ऑल्सो वॉन्ट टू लिव फ्रीली, जानवर भी आज़ादी से रहना चाहते हैं। दे ऑल्सो वैल्यूज फ्रीडम, उन्हें भी आज़ादी का महत्व मिलना चाहिए। उनको भी रियलाइज होता है कि हम परेशान हैं या हमें कैद कर रखा है। Those who deny freedom to others do not deserve it for themselves. Comment. जो लोग दूसरों को आज़ादी का इनकार करते हैं,
तो उनको भी शोभा नहीं देता है कि उन्हें आज़ाद रखा जाए। यदि आप किसी को कैद करके रख रहे हैं तो आपको भी आज़ाद रहने का अधिकार नहीं है, आपको भी कैद कर दिया जाना चाहिए। ये प्रश्न इस बात को कहता है, इस बारे में आपको कमेंट करना है कि आपके क्या विचार हैं। दिस इज़ राइट दैट दोज हु डिनाई फ्रीडम टू अदर्स, ये बात सही है कि जो लोग दूसरों की आज़ादी से इनकार करते हैं कि नहीं इन्हें आज़ाद नहीं होना चाहिए, डू नॉट डिज़र्व इट फॉर देमसेल्फ, तो उन्हें भी आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फ्रीडम फॉर ऑल क्रिएचर्स इक्वली, हमें आज़ादी के महत्व को सभी प्राणियों के लिए समान रूप से समझना चाहिए। गॉड हैज़ गिवन प्लेस टू लिव ऑन दिस अर्थ टू ऑल क्रिएचर्स डिफरेंटली, गॉड ने इस धरती पर रहने के लिए सभी प्राणियों को डिफरेंटली अलग अलग तरीके से घर दिए हैं। सो वी शुड नॉट इंटरफेयर इन एनिमल्स नेचुरल हैबिटेट, इसीलिए हमें जानवरों के नेचुरल हैबिटेट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये आंसर समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। इसी तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस पोयम का, हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज, पिंजरे में टाइगर किस तरीके से एक्ट कार्य करता है, क्या क्या चीज़ें करता है पिंजरे में बैठा हुआ टाइगर। टाइगर वॉक्स अ फ्यू स्टेप्स इन हिज केज, अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है। ऑल्दो ही इज इन रेज, यद्यपि वह क्रोध में होता है, बट ही इज क्वाइट, वह शांत है। ही इग्नोर्स द विजिटर्स, वह अनदेखा करता है विजिटर्स को, जो लोग उसे देखने आते हैं। ही हियर्स द वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, वह सुनता है गश्त लगाती हुई कार की आवाज। एंड जस्ट वॉचेज द स्टार्स एट नाइट, और बस रात को तारे देखता है। तो इस तरह से जो भी बात हमने पोयम के थ्रू पढ़ी थी, उसके उसके बिहेवियर के बारे में एक पिंजरे में, वो सभी हमने इस तरह से यहाँ आंसर में लिख दी। स्टूडेंट्स, आई होप आपने वीडियो को लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। ये चैनल आपको कभी निराश नहीं करेगा, आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।